गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप कि खूब बढ़िया होंगे और अच्छे से अवकलन पढ़ रहे होंगे भाई। तो अवकलन हम लोगों ने लास्ट टाइम में कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे, आपने याद नहीं किया होगा ना। अगर याद नहीं किया हो तो कृपया वीडियो पॉज कर दें और इस वीडियो को बाद में देखें। अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए हो तभी ये लेक्चर आपके लिए है, तभी ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अगर फॉर्मूले याद नहीं किए हो तो पहले प्लीज पिछला लेक्चर जाके देखें, अगर वो फॉर्मूले आप कंप्लीट कर लें, याद कर लें, तभी इस लेक्चर को देखने में आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए, अगर आपने वो फॉर्मूले याद कर लिए हैं तो कुछ फॉर्मूले आपके लिए मैं और लिख देता हूं। जैसे इनवर्स फंक्शन के साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√(1 − x²), डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, सी से स्टार्ट हुआ इसलिए माइनस लगा दीजिए, बाकी फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स तो 1/√(1 + x²), डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स तो −1/√(1 + x²), क्योंकि ये सी से शुरू हुआ है। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स तो 1/√(x√(x²−1), डी ओवर डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स तो सी से शुरू है इसलिए सिर्फ माइनस लगा दीजिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉड का मतलब होता है कि ये मॉड जो निगेटिव होता है उसे पॉजिटिव बना देता है, कुल मिला के निगेटिव के ऊपर एक निगेटिव और लगा देता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का ये मॉड कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो ये इसके कुछ फॉर्मूले हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। कुछ इनवर्स से रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कहीं एक आध दो बार फिजिक्स में यूज हो सकता है, नहीं तो इसका यूज कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको काम आएगा इसलिए याद जरूर कर लेना बेटा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, लास्ट टाइम से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आप जल्दी से नोट करें। एक्स की पावर −3/4 डी ओवर डी एक्स −x²/(x³) डी ओवर डी एक्स −x²/(x⁴)/(x²) डी ओवर डी एक्स × log x डी ओवर डी एक्स cos x/sin x। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसको जल्दी से ट्राई कर लीजिएगा। तो शायद पहले का आपने आंसर फाइंड कर लिया होगा, x³ − 3/4 तो −3/4 आगे आ गया, x³ − 3/4 − 1 कर दीजिए तो −3/4 x³ − 4 − 3 तो x²−7/4 आ गया, इसका आंसर आ गया बेटा। अब इसको सॉल्व करिए तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि दो फंक्शन का गुणनफल कर दे, दो फलन का गुणनफल, लेकिन आप इससे बढ़िया क्या है, x²² और x³³ तो आधार समान हो तो गुणा में गाते जुड़ती हैं। तो अभी अवकलन ना कीजिए लेकिन x⁵ लिख दीजिए। अब ये देखिए कितना सिंपल हो गया, तो 5 आगे आ गया, x⁴ इसका अवकलन हो गया। अब इसको भी आप देख रहे होंगे कि अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये डी ओवर डी एक्स x² बन गया, तो x² का जो 2 है आगे आ जाएगा, खोपड़ी में से एक घट जाएगा, तो 2 में से एक गया 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये वाला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमने दो फंक्शन का गुणनफल लिखाया था तो उसका फॉर्मूला था, पहला छोड़ो दूसरे का अवकलन पहला छोड़ो दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा छोड़ो पहले का अवकलन। तो पहला छोड़ दो बेटा, x छोड़ो, दूसरे का अवकलन मतलब dy/dx log x प्लस दूसरा छोड़ दो मतलब log x dy/dx x, तो x log x का क्या हो जाएगा बेटा, 1/x प्लस log x छोड़ ही रखा है आपने, तो ये dx/dx 1 हो जाएगा। चाहे ऐसे सोच लीजिए कि d/dx x³ पे 1, तो 1 आगे आया खोपड़ी में से 1 घट जाएगा, तो 1 x³ पे 0,
तो किसी भी संख्या के साथ जीरो का मान एक होता है, तो आंसर एक आ गया। या इससे बढ़िया है डीएक्स बटे डीएक्स वन हो गया बेटा, तो ये x से x कट गया तो 1 प्लस लॉग x इसका आंसर आ गया बेटा। ऐसे ही हमने दो फलन के भागफल का सूत्र पढ़ा था, हर छोड़ो अंश का अवकलन माइनस अंश छोड़ो हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर आपने इसको किया है जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट करिए, जल्दी से करिए, फिर आप कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए, क्योंकि हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो उससे इजी तरीका क्या है बेटा, अगर आपने कर लिया हो तो देख लीजिए, कॉस बटे साइन कॉट एक्स होता है बेटा, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो डायरेक्ट इसका आंसर आ चुका है। कॉट एक्स अगर लिख देंगे कॉस एक्स बटे साइन एक्स को, तो इसका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, जल्दी से वीडियो पॉज करके इनको नोट कर लीजिएगा। ये फॉर्मूले हैं बेटा, इनको अलग नोट करिएगा, ये फॉर्मूले हैं इनका अवकलन का कुछ, तो इसको अलग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एक दो क्वेश्चन देते हैं, जैसे ऐसे दिया है y बराबर 3x स्क्वायर, तो इस टाइप का क्वेश्चन है, दोनों पक्षों का, इसमें क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष का मतलब d बटे dx, अगर p के सापेक्ष कहता बेटा तो d बटे dp, अगर m के सापेक्ष अवकलन करना है तो d बटे dm, अगर y के सापेक्ष अवकलन करना है तो d बटे dy। ये बात ध्यान दीजिएगा, बस यही है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं बेटा, तो इसको हमने लिख दिया d बटे dx, तो d बटे dx अगर हमने लिख दिया है तो देखिएगा y, और इधर भी लिख देंगे d बटे dx 3x स्क्वायर, क्योंकि दोनों पक्षों का करना है ना बेटा, तो d बटे dy, तो dy बाय dx इसको लिख सकते हैं, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, अब 3 तो नियत है 3 छोड़ दो, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा और खोपड़ी में से एक घट जाएगा, तो dy बाय dx कितना आ गया 6x, ये इसका आंसर है बेटा। है एक ही लाइन का, लेकिन अभी आपके लिए नया है तो आप दो तीन लाइन का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, x इक्वल्स टी की पावर 4 प्लस 2t प्लस 1, इसका अवकलन करना है, तो अब दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन, किसके सापेक्ष बेटा, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां x बदल रहा था तो x के सापेक्ष अवकलन कर दिया था, ऐसे यहां पे t बदल रहा है तो t के सापेक्ष अवकलन, तो क्या लिखेंगे, d बटे dt x d बटे dt t की पावर 4 प्लस 2t प्लस 1। अब इसको डायरेक्ट भी करना सीखो बेटा, इसका मतलब ये इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी है, तो इसका कर दीजिए पहले, तो t की पावर 4 का क्या आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, t की पावर 3 बचेगा, 4 में से एक गया, प्लस 2 छोड़ दीजिए, t की खोपड़ी पे क्या है 1, तो 1 आगे आएगा इंटू t की खोपड़ी पे 1 माइनस 1 हो जाएगा, और ये 1 है नियतांक, नियतांक का अवकलन कितना होता है बेटा 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 4t क्यूब प्लस ये t की पावर 0 आ गया, किसी भी संख्या के साथ 0 का मान क्या होता है बेटा 1 होता है, तो ये आंसर क्या बचा 2, तो 4t क्यूब प्लस 2 ये इसका आंसर है बेटा dx बटे dt। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की डिस्कशन को मूव कर रहे हैं आगे की ओर। जितना ही ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा, तो कम से कम दो तीन लेक्चर आप अवकलन का सीख लीजिए, जिससे कि आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके, कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके,
और हम लोग थोड़ा कठिन कठिन अवकलन भी कर सकें, जिससे कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा से सेट हो जाए, जिससे कि हमको फिजिक्स में जब कहीं अवकलन इन्वॉल्व हो तो हमको कोई समस्या ना आए। अब इसके बाद देखिएगा बेटा, थोड़ा सा टफ दे देते हैं, y इक्वल्स एक्स अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 एक्स की पावर माइनस 1/2। ये क्वेश्चन है बेटा। तो इसका अवकलन करने के लिए सीधा सिर्फ मैथ लगाइए पहले, मैथ का मतलब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, अवकलन तो बाद में करिए, पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो एक्स इंटू एक्स की खोपड़ी पे 1/2, अब इसको ऊपर ले जाइए तो इंटू एक्स की खोपड़ी पे -4, हर से अंश में जब जाएगा तो घात पलट जाएगी बेटा, माइनस अगर यहां नीचे +4 है तो ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा, और x की घात ये भी +1/2 हो जाएगा। तो अब अगर आधार और नीचे कुछ नहीं बचा तो एक है ना लिखिए तो भी चलेगा। अब देखिए आधार समान है, आधार x x x x है तो गुणा में घाते जोड़ दीजिए, तो इसके खोपड़ी पे क्या है 1, इसके खोपड़ी पे 1/2 प्लस, और यहां क्या है -4 +1/2। अब इसी को जोड़ना है बेटा, तो आधा आधा 1 और 1 2 और -4 तो -2 आ गया, तो y इक्वल्स x की पावर -2। अभी तो हमने सिर्फ बेसिक मैथ लगाई है, अभी अवकलन नहीं किया है। अब लिखेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन, ये भी भाषा कई बार यूज होती है बेटा, y का x के सापेक्ष अवकलन, यहां पे जो भी टर्म होगा उसी का x के सापेक्ष, अगर यहां x है तो x के सापेक्ष अवकलन। तो क्या लिखेंगे, dy/dx इधर भी किया है तो y था तो dy/dx हो गया x की पावर -2। अब देखिएगा x की पावर -2 है, -2 आगे आएगा खोपड़ी में, -2 में एक घट जाएगा तो -3, तो 2x की पावर -3, ये इसका आंसर हो गया बेटा। तो ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि इसका हम कैसे करेंगे, लेकिन आपने देखा कि कितना सिंपल था। अब इसके बाद देखिएगा, अब हम लोग कर रहे हैं कुछ भी, x इक्वल्स t² × t² × t^3/2 अपॉन √t, और यहां पे अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब होता है 1/3 t^6 ऐसा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले इसका अवकलन करना है बेटा, तो अवकलन करने के लिए क्या करिए, पहले सबसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, पहले इसको t × t^2 × t^3/2 इसको ऊपर ले चलिए तो t^-1/2, अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2, ये अंडर रूट एक्स लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, x^(1/2) तो t^(1/2) है ऊपर जाएगा तो t^-1/2 हो जाएगा, और यहां t^(6) है, अंडर रूट का मतलब यहां 2 लिखा होता है, 2 लिखा होता है तो इसका मतलब 1/2 हो जाता है, तो अगर यहां 3 लिखा है तो ये x^(1/3) हो जाएगा, यहां 4 लिखा है तो x^(1/4) हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा बेटा। तो ये x^, इसके पावर में 1/3 हुआ ऊपर जाएगा तो -1/3, तो -1/3 इतना आया। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 × 2 = 6 टी, अब सब आधार समान हो गया तो गुणा में घाते जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3/2 - 1/2 और -2, अब 2 से +2 - 2 कैंसिल आउट हो गया, t^(3/2 - 1/2) 3/2 - 1/2 तो बेटा 2 एलसीएम हो गया, 3 में से 1 गया 2 तो 2/2 = 1 हो गया, तो ये 1 हो गया और 1 ये, तो t² हो गया बेटा x बराबर। ये देखने में देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड था, कितना इजी क्वेश्चन है,
अब दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए तो dx ओवर dt, d ओवर dt, t स्क्वायर, अब t स्क्वायर में 2 आगे आ जाएगा खोपड़ी पे, 2 में से 1 चला जाएगा तो 2t आ गया dx ओवर dt। ये एकदम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इसको जल्दी से अच्छे से ट्राई करने की कोशिश करिए, वीडियो पॉज करिए, जल्दी से नोट करिए, फिर हम आपको और आगे तरफ मूव करते हैं, आगे थोड़ा बहुत क्वेश्चन करा दें। अब थोड़े बहुत मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले लगा लीजिए, थोड़ा बहुत एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला लगा लीजिए। तब तक के लिए मैथ के 3 फॉर्मूले लॉग से रिलेटेड आप अलग से याद कर लीजिए बेटा, ये इस टॉपिक में बहुत बार काम आएगा या पूरे फिजिक्स में बहुत बार काम आएगा, तो इसको अलग से नोट कर लीजिएगा बेटा। देखिए log m टू दी पावर n, यह अवकलन का सूत्र नहीं है बेटा, यह अवकलन का सूत्र नहीं है, ये log की प्रॉपर्टी है, log का गुण है। किसका गुण है? log का गुण। ये अवकलन का सूत्र नहीं है, तो log का गुण है जो खोपड़ी पे बैठा होता है उसे आगे फेंक देता है, तो आगे फेंक दिया इधर, तो n और बचा क्या? log m। तो अगर log m टू दी पावर n है तो ये हो जाता है n log n, log m इंटू n है गुणा है तो ये ओपन कर देता है log m प्लस log n, और फिर एक होता है log m बटे n भाग है, तो इसकी प्रॉपर्टी log की होती है ये log m माइनस log m कर देता है। ये log के 3 सूत्र है बेटा, ये अवकलन का सूत्र नहीं है, फिर सुन लीजिएगा ध्यान से। अवकलन के जितने हमने वो सूत्र बताए थे और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स आज जो बताया है वही अवकलन के सूत्र है, बाकी कोई अवकलन का सूत्र नहीं आपको दिया गया है। तो इसके बाद थोड़ा सा आगे मूव कर रहे हैं बेटा, अगर फिजिक्स को एकदम आसान बनाना है तो अवकलन समाकलन और ये जो अभी हम ग्राफ और ये सब डिस्कस करने वाले हैं बेटा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। देखिएगा अब हम लोग डी ओवर डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स लॉग एक्स, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, फिर उसके बाद डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स बटे लॉग एक्स। ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, इनको सॉल्व करिए, आप जल्दी से सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए, अगर आपका आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में करेक्ट लिखिए, नहीं आता है तो इनकरेक्ट लिखें। चलिए अगर आपने कर लिया हो तो इसको देखिएगा, पहला छोड़ो साइन एक्स छोड़ दो क्योंकि दो फलन का गुणनफल का सूत्र लगेगा, साइन छोड़ो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स छोड़ो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स का क्या हो गया बेटा 1/x अवकलन का सूत्र, जिसके आगे डी बटे डी एक्स लगा रहेगा उसी का अवकलन करना है आपको, नहीं तो देखिए साइन एक्स का अवकलन नहीं किया हमने, ऐसे लिख दिया लेकिन डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के आगे लिखा था तो उसका अवकलन कर दिया, प्लस लॉग एक्स के आगे डी बाई डी एक्स नहीं लिखा ऐसे लिख दिया तो साइन एक्स का अवकलन कर दिया, तो ये हो गया कॉस एक्स, तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा यही आंसर ही है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से वीडियो पॉज करो, करो ट्राई करो भाई, ट्राई करो, बैठो नहीं, जितना ही ज्यादा आप अपने हाथ से करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, सिर्फ सॉल्यूशन देखने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो जल्दी से वीडियो पॉज करो बेटा, आगे आप प्रोसीड करो। आई होप कि कर लिया होगा, तो इसको देखिएगा e की पावर x d बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ई की पावर x, ये तो अभी फॉर्मूला लगाया है, अब एप्लीकेशन देखो, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के आगे लिखा है तो उसका फॉर्मूला हो गया 1/x प्लस लॉग एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा बेटा, ये एक्स से एक्स काट मत देना क्योंकि ये खोपड़ी पे है उसके,
ये घात में है और ये एक संख्या है, जैसे ऐसे लिखा हो एक बटे दो और एक्स स्क्वायर, तो ये टू नहीं कटेगा बेटा, ऐसे समझिएगा। तो ये घात है और ये संख्या है, ठीक है। तो इसका ये आंसर आ गया बेटा। अब इसका देखिएगा अगले का, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स छोड़ो, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स छोड़ो, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब आंसर लिखो, साइन एक्स कॉस एक्स का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स, इसको पहले लिख रहे हैं पॉजिटिव है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आगे अभी आप सीखेंगे बेटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस टू एक्स के कुछ फॉर्मूले लिख देते हैं हम, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा बेटा। देखो ये त्रिकोणमितीय सूत्र है, कौन से सूत्र है, त्रिकोणमितीय सूत्र, इसको भी अलग से आपको याद करना है बेटा। तो साइन टू एक्स का हो जाएगा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे कॉस टू एक्स का एक फॉर्मूला आ गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला। कॉस टू एक्स का एक फॉर्मूला और होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, कॉस टू एक्स का एक फॉर्मूला और होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। ये फॉर्मूले आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये एक बार नहीं पूरे फिजिक्स में कम से कम 50 बार यूज होंगे बेट, और जितना ज्यादा बढ़िया आपको ये याद रहेगा उतना ही आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद देखिएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, साइन ए कॉस बी, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये यूज होगा बेटा इसलिए हम बता रहे हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। होने को और बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं त्रिकोणमिति के, लेकिन अभी हमको फिजिक्स में उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है तो उसको हम नहीं लिखा रहे हैं। तो जैसे जैसे फॉर्मूले मिलते जाएंगे इनको अलग से कहीं नोट बना लीजिएगा, ये बायो वालों के लिए स्पेशली आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये सब आपको हमेशा के लिए याद करना है। जैसे मैथ वालों को तो ये ऑलरेडी याद हो जाएगा क्योंकि उनका एक त्रिकोणमिति चैप्टर ही है बेटा, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अब इसका अगर आपने ये लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लिया हो तो इसका सोल्यूशन देखिए बेटा, देखिएगा हर छोड़ो तो लॉग एक्स छोड़ दो, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस, सॉरी यहां सूत्र में माइनस, हर छोड़ो अंश का अवकलन माइनस अंश छोड़ो डी बटे डी एक्स हर का अवकलन बटे जो हर है लॉग एक्स उसी का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करके यहां लिखते हैं बेटा, देखिएगा ध्यान से, इधर लिख रहे हैं लॉग एक्स रहने दीजिए इंटू ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही हो जाएगा अवकलन, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, माइनस ई की पावर एक्स लॉग एक्स का एक बटे एक्स हो गया बटे लॉग एक्स का स्क्वायर। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें और सिंप्लीफिकेशन यही हो सकता है कि ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए बस। तो ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। तो ये चार पांच क्वेश्चन हमने दिए, आप इसको जल्दी से देखिए कि आपने आंसर कैसे किया है, सॉल्व किया है, आपका आंसर आया है या नहीं आया है। तो जल्दी से इनको नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके अच्छे से ये फॉर्मूले अलग से याद कर लीजिएगा बेटा। जैसे धीरे धीरे आपके ऊपर ब्रेन पे लोड पड़ रहा होगा, फॉर्मूला वॉर्मूला कह रहे हैं इतने फॉर्मूले सब क्यों याद करा रहे हो, अभी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि अभी फिजिक्स का कोई फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं रखा गया है, अभी फिजिक्स में आपने कुछ नहीं याद किया है। तो धीरे धीरे ये कुछ फॉर्मूले याद कर लीजिए जिससे आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो सके, क्योंकि फिजिक्स में ये छोटी छोटी चीजें ही बच्चों को नहीं आती हैं जिसके कारण प्रॉब्लम आती है बेटा। तो अब देखिएगा y इक्वल्स एक्स इंटू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया अगर, तो अब देखिएगा क्या होगा। पहले देखिए दो फलन है x और साइन x, तो इसमें दो फलन का गुणनफल लगा दीजिए
और प्लस लॉग एक्स का अलग कर दीजिए, तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये दो फलन का गुणनफल लगाइए, पहला छोड़िए डी वाई डी एक्स साइन एक्स प्लस ये दो क्वेश्चन मान लीजिए, एक ये है एक ये, प्लस साइन एक्स डी वाई डी एक्स एक्स प्लस इसका अलग से डी बटे डी एक्स लॉग एक्स। जल्दी से देखिएगा क्या आया, एक्स साइन एक्स का क्या आ जाएगा बेटा कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स ऐसे रहने दीजिए, डीएक्स बटे डीएक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वन, प्लस लॉग एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वन अपॉन एक्स। तो ये आ गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो ये डी ओवर डी वाई ओवर डीएक्स, तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे मूव करें। जल्दी से इसको अच्छे से करने की कोशिश करिएगा, फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू थ्री एक्स प्लस टू, ऐसा कुछ है। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, तो इनको अलग अलग कर लीजिएगा, ये दो फलन का गुणनफल मान लीजिए। एक तरीका तो ये है कि इनका दोनों का आपस में पहले गुणा कर लीजिए, इसका इससे करिए इससे करिए फिर इसका इससे करिए इससे करिए, जितने देर में आप ये करेंगे ना उतने देर में अवकलन करके आपको आंसर मिल जाएगा बेटा। तो इसलिए गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो डी वाई बाई डी एक्स ये दो फलन मान लीजिए, एक ये है एक ये है, तो पहला छोड़ो टू एक्स स्क्वायर प्लस वन छोड़ दो, डी बटे डी एक्स थ्री एक्स प्लस टू, ये ब्रैकेट जरूर बनाइएगा, प्लस थ्री एक्स प्लस टू डी बटे डी एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये अभी तो आपको फॉर्मूला भी लिखना पड़ रहा है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे ये सब आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसे रहने दीजिए, थ्री एक्स प्लस टू तो 3x का कितना हो जाएगा बेटा 3, क्यों x की पावर 1 है 1 आगे आएगा यहां पे और x में से खोपड़ी में से एक घट जाएगा तो 1 माइनस वन, तो x की पावर में 0 हो जाएगा और किसी भी संख्या का अवकलन करेंगे नियतांक का अवकलन तो 0, तो ये हो गया 3x एक्स प्लस टू का अवकलन। अब 3x एक्स प्लस टू यहां रहने दीजिए और इसका अवकलन कर दीजिए, तो टू एक्स स्क्वायर का 2 तो छोड़ो नियतांक है, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, x की खोपड़ी पे 2 माइनस वन होगा लेकिन 2 माइनस वन वन हो गया, वन लिखने की जरूरत नहीं है, तो नियतांक का 1 का अवकलन हो गया 0। अब इसको देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू थ्री प्लस 3x प्लस 2 4x इंटू में, यह आपका आंसर हो गया बेटा। तो इस तरह से ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन हमने ये किया, तो इस टाइप के अब आप ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा फिर देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा डी बटे डी एक्स सॉरी वाई बराबर दे देते हैं, कोई जरूरी नहीं है, वाई बराबर टेन एक्स बटे कॉट एक्स, इसका अवकलन करना है। तो देखिएगा थोड़ा सा इसको, एक तो तरीका है भागफल का लगा दीजिए सूत्र, भागफल का लगा देंगे, हर छोड़ो अंश का अवकलन माइनस अंश छोड़ो हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, एक तरीका। दूसरा तरीका टेन एक्स रहने दीजिए और इसको क्या लिख सकते हो कॉट एक्स को वन अपॉन टेन एक्स, अब इसके बटे में वन कर लीजिए तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर बीच वाले से गुणा हो जाएगा, टेन एक्स इंटू टेन एक्स आ गया। अब टेन एक्स इंटू टेन एक्स का अवकलन कर दीजिए, पहले दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया, टेन एक्स छोड़ो डी बटे डी एक्स टेन एक्स का प्लस
अगला tan x छोड़ो, d बटे डी एक्स tan x का। यहां ध्यान देना बेटा, tan स्क्वायर x लिख दोगे तो इस टाइप का अभी हमने ट्रिक नहीं पढ़ा है, इसको भी पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिएगा tan x, tan x का अवकलन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस tan x इंटू sec स्क्वायर x, तो ये टू टाइम्स हो जाएगा tan x इंटू sec स्क्वायर x, ये इसका आंसर हो गया बेटा। तो इस तरह से आप जितने क्वेश्चन आपको मिले कहीं भी अवकलन के, उनको कोशिश करिए कि ट्राई करिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, अभी आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं जितना आपको फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है, तो अभी इसके लिए आपको एक दो लेक्चर और देखना पड़ेगा, तो वीडियो को कॉन्टिन्यू देखते रहिए अगर आप अपना फिजिक्स बेस्ट करना चाहते हैं तो। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और खूब ढेर सारी पढ़ाई करते रहिए।